गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन टुडेज व्लॉग इन चैनल ऑफ दीपा का व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। और दोस्तों, हर चीज़ का मेरिट और डिमेरिट दोनों ही होता है। हर चीज़ के जो है मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन द सेम वे व्हेन आई स्टार्टेड, व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग माय मोबाइल, सडनली आई वाज ऑन फेसबुक पेज मांझी द माउंटेन मैन। ही वाज स्ट्रक्चर्ड माउंटेन इन अ वे। और मैंने रियलाइज किया कि मतलब वास्तव में जो कोई प्यार कर सकता है तो ऐसा आदमी ही है जो मतलब अपने मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, बोलते हैं जैसे शाहजहां ने जो अपने मतलब बेगम के लिए, मुमताज़ के लिए ऐसा वो ताजमहल बना दिया, तो वो कर दिया, ये कर दिया। बट मेरा मानना है कि जो मांझी थे वो जो है अपने प्यार के लिए बहुत कुछ कर दिए थे। ये तो खैर अपना अपने दम पर किया था इन्होंने, दशरथ मांझी जो है। बट ताजमहल है वो तो किसी और के द्वारा बनवाया गया है, वो तो बात अलग होता है। इसका मैं मतलब क्रेडिट किसी और को जाता है जो बनाया है उसको। बट मांझी, दशरथ मांझी जो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने दम पर जो है एक इतने उससे बड़े पहाड़ को जो है तोड़ ताड़ करके अपने मतलब अपने लिए नहीं बल्कि मतलब आने वाले पीढ़ियों के लिए जो उनके सुविधा के लिए जो है एक रास्ता बना दिया, तैयार कर दिया। तो भाई साहब ऐसी मतलब ज़िंदगी की क्या कीमत जो मतलब अपने फैमिली के लिए नहीं बना। सॉरी गाइस फॉर स्टार्टिंग लेट ब्लॉगिंग, क्योंकि अभी जो है सुबह मेरे को मतलब सुबह तो जाना पड़ता है पहले उधर में सिकाई के लिए, रेडियोथेरेपी के लिए माँ को लेकर के। और सुबह जब आते हैं तो अप्रोक्स 7 या 7:30 बज जाता है, क्योंकि सभी का मानना है कि अच्छा नहीं लगता है, घर में मन नहीं लगता है। इसलिए हम लोग भी सोचते हैं कि चलो आधा एक घंटा यहीं पे एक्सप्लेन कर लेते हैं उन लोग के साथ में, थोड़ा उन लोग का ही मन लगा रहेगा, हम लोग का भी थोड़ा अच्छा टाइम पास हो जाएगा। और वहाँ से जब आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग को लेट हो जाता है नाश्ता बनाने के लिए और ब्रेकफास्ट करो के उसके बाद से बनाते करते खाते पीते ये सब करते समय मतलब 11 बज जाता है। अभी भी 11 बज रहा है और क्या करेंगे, कोई बात नहीं, इसे मिला लीजिए चलेंगे भाई साहब। थोड़ा थोड़ा तो अप डाउन होता है। बट दोस्तों एक बात आप लोग से गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ यार दोस्तों मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कि तभी तो मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन तभी तो आपके पास आ पाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रवि मैं जा रहा हूँ, थोड़ा लंच का तैयारी करेंगे क्योंकि आज मुन्ना आएंगे, मुन्ना और उनके दोस्त तो कुछ हैं, दो जन आएंगे लोग मेरे से मिलने के लिए और थोड़ा काम भी है कुछ, तो देखते हैं जो भी होगा वो देखा जाएगा। अभी मैं सब लोग थोड़ा सा बर्तन वर्तन धो धा करके थोड़ा आराम करेंगे और लंच का भी तैयारी करेंगे। और आज तो बना है हम लोग साग, ग्रीन वेजिटेबल ही आजकल बनाना पड़ रहा है हम लोग को। सो भाई साहब अभी क्या मस्त नींद लिया हूँ, 3 घंटा का मजा आ गया। और इतना देर तक सोया इसलिए ना मैं सोचा कि सोता हूँ, अगर मुन्ना आएगा तो मेरे को फ़ोन करके कॉल करके जगा लेगा और जो भी काम होगा उसका कर दिया जाएगा। बट वो आया नहीं और मैं सोए ही रह गया आराम से, इसलिए इतना देर लगातार मतलब सोए ही रह गया। और कोई नहीं, देखते हैं फ़ोन करेंगे, अभी कॉल करेंगे, देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं, क्यों नहीं आया वो लोग। वो दशरथ मांझी वाला बात मेरे को इतना अंदर घर कर गया है कि मतलब मैं उनके बारे में सपना भी मैं अभी देख रहा था। और मैं ये सोच रहा हूँ कि प्यार हो तो वैसा हो, अदरवाइज नहीं हो। आजकल की तरह की जो 2 मिनट के मैगी की तरह बन रहा है रिश्ता और 2 ही मिनट में मतलब टूट जा रहा है और फिर नए नए मतलब ऐसे जुड़ रहे हैं ऐसे इधर उधर इस तरह का हो, भाई साहब वैसा नहीं होना चाहिए। मज़ा आया उस रिश्ते में जो जिसके अंदर मतलब सच्चाई हो, प्यार हो, वैसा रिश्ता मतलब ज़्यादा दिन तक लास्टिंग भी करता है। दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी हॉस्पिटल, थोड़ा वहाँ पर सरकारी काम है मेरे को, मतलब CM का फंड जो है मेरे पास पैसा अब ख़त्म होने हो रहा है, तभी सोच रहा है दोबारा से अप्लाई कर दें, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ कि पहले सुनता था कि पहले मतलब दोबारा अप्लाई करने पर कुछ ना कुछ आता था 20,000-40,000 अप्रोक्स, बट अभी नहीं आ रहा। फिर भी देखते हैं अप्लाई करके, अगर कुछ आएगा तो हेल्प मिल जाएगा, अदरवाइज देखेंगे मतलब पैसा सिर्फ वेस्ट किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। नहीं 15-20 दिन के बाद अगर आ जाएगा तो बढ़िया है, अदरवाइज जो होगा सो भगवान के मर्जी पर होगा। चलिए फाइनली आ गए हैं हॉस्पिटल में, बहुत दिन बाद इस समय जो हॉस्पिटल में आए हैं और यहाँ का भीड़ भाड़ थोड़ा कम दिख रहा है। कल वो सुनने में आया कि सोमवार को बहुत ज़्यादा भीड़ था, आज थोड़ा भीड़ पता नहीं कैसा है कैसा नहीं, चलिए देखा जाए। फाइनली दोस्तों मेरा दोनों काम हो गया, पहला एक तो काम मेरा बचा हुआ था जो कि मतलब अपना अप्लाई करना था मुख्यमंत्री में उपयोगिता के लिए, तो ऐसे तो फॉर्म ले लिए हैं जमा और बोले हैं कल आने के लिए, अब देखते हैं डॉक्यूमेंट जो भी मांगेंगे कल दे दिया जाएगा। और दूसरा काम मेरा बचा हुआ था वो भी काम कम्प्लीट हुआ है। एक्चुअली वो था कि आंटी को पूछना था कि अगर CM फंड से कोई पैसा आया तो मतलब अगर यूज नहीं किया जाए तो कितना दिन के बाद, चाहे कैंसिल होता भी है कि नहीं या कितना दिन के बाद कैंसिल होता है, तो वो लोग बता रहे हैं इंक्वायरी पे, तो मैं पूछा तो वो बोले कि नहीं कैंसिल नहीं होता है कभी भी,
जब तक रहेगा आप यूज कर सकते हैं कभी भी आकर के। अब ये कितना बात सही है कितना नहीं, अब जाएंगे कल फिर से शायद हो सकता है अकाउंट सेक्शन, तो वहाँ पर भी पता करेंगे एक बार। तो चलिए अभी काम तो कंप्लीट हो गया, अभी जा रहा हूँ मैं घर पे, थोड़ा नाश्ता वास्ता खाना पीना खाया जाएगा, इवनिंग का स्नैक्स लिया जाएगा। दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 10 और हम लोग का खाना पीना हो चुका है। आज मतलब जिस स्कूल में हम रहते थे उस स्कूल में जिस तरह का दाल बनना था उस तरह का दाल आज मैं बनाया था, वो गलती से बन गया था अचानक से। स्कूल का जो है याद ताज़ा हो गया आज, मतलब इतना खुशी भी हो रहा है कि अपने से मैं स्कूल वाला दाल अचानक से बना लिया। खाना पीना तो हो चुका है और ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग गाइस, फॉर व्हाट्सएप परिजन, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस ब्लॉग अलॉट। और ये वीडियो आपको थोड़ा पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और दोस्तों प्लीज 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 अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिना सब्सक्राइब मत जाया कीजिएगा। और जो लाल बटन है उसको ब्लैक करके नीला करके जैसे भी हो उसको क्लिक करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ नया वीडियो उसका नोटिफिकेशन तभी तो आपके पास पहुँचेगा ना भाई साहब। तो प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और मिलते हैं फिर किसी ऐसे एक और नए ब्लॉग में नए अंदाज के साथ नए एनर्जी में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, गुड नाइट।